Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on his sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शकों को रिद्धिमा तिवारी की तरफ से मेरी क्रिसमस। आई वेलकम यू टू माय होम स्वीट होम एंड दिस इज माय क्रिसमस ट्री जिस पे थोड़ी सी फिनिशिंग टचेस अभी बाकी है। तो चलिए मेरे साथ आज की शाम मतलब क्रिसमस ईव मनाइए और देखिए कि मैं अपना क्रिसमस स्पेशल कैसे बनाती हूँ। अपना क्रिसमस ऐसे बनाती हूँ, पहले तो ये कैप्स परचेज करती हूँ। आई लव बाइंग दीज कैप्स, आई थिंक दे लुक वेरी क्यूट। सिर्फ क्रिसमस एक मौका होता है इन्हें पहनने का, तो मैं इसे मिस बिल्कुल नहीं करती हूँ। घर पे केक लाती हूँ जो रम एंड रेजन्स का केक होता है। ऑफकोर्स उसमें रम नहीं होती, रेजन ज़्यादा होते हैं, बट वो केक स्पेशली क्रिसमस पे ज़्यादा खाया जाता है। और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ, क्रिसमस ट्री सजाती हूँ। अभी तो क्रिसमस ट्री आधे से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं, तो मैं वो भी करूँगी। तो मैं माउंट मैरी ज़रूर जाती हूँ, चर्च बैंड्रा में जो माउंट मैरी है वहाँ जाकर आप सबके लिए दुआएं मांगना, मेरे परिवार के लिए दुआएं मांगना, और जो आज तक हम सबको मिला है उसके लिए धन्यवाद करने एक दिन तो बनता है वहाँ जाकर, पीसफुल लगता है। तो आई थिंक माउंट मैरी चर्च जाके मेरा क्रिसमस पूरा हो जाता है। वहाँ मैं कैंडल्स ऑफर करती हूँ और अपनी लंबी लिस्ट उनके सामने रख देती हूँ। आई फील ब्लिस। मेरा सबसे स्पेशल क्रिसमस मुझे याद है जो मैंने जेनिफर विंगिट के घर पे बिताया था, मनाया था। और ऑफ़ कोर्स वो कैथलिक है, उसके यहाँ 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा क्रिसमस ट्री था, सफ़ेद कलर का, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से उसने सजाया था। और वहाँ पे पहली बार मैंने सीक्रेट सेंटा गेम खेला था, जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स पेड़ के नीचे रखे थे, क्रिसमस ट्री के नीचे रखे थे, और आपको नहीं, आपको शायद कुछ लेके जाना था जो कि मुझे नहीं पता था कि लेके जाना है। वहाँ पहुँची तो एक एक करके सारे गिफ्ट्स खुल रहे थे और देने वाले का नाम था और जो रिसीव करने वाला है उसका भी नाम था, और आई वॉज सरप्राइज कि मेरा भी कोई सीक्रेट सेंटा था वहाँ। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ब्यूटिफुल था कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और किसी ने आपका दिन स्पेशल बना दिया। And I cannot and I will never forget that Christmas. फिलहाल जो एक पार्टी हम लोगों ने सोची है, मतलब 4-5 लड़कियाँ इकट्ठी होकर हम लोग सोच रहे हैं हम बैंड्रा जाएँ, खूब मस्ती करें। माउंट मैरी चर्च तो मैं जाने ही वाली हूँ, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैंड स्टैंड घूम कर वहाँ का आनंद उठाते हुए, बस सेंट एंड्रूज भी है वहाँ पे, तो घूमूंगी फिरूंगी, चर्च जाऊँगी, प्रे करूँगी, आपके लिए भी दुआ करूँगी।